हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक मान और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में, और न्यूक्लियोफाइल आएगा और किसी ग्रुप को हटाता है, मतलब हटाने का मतलब उस ग्रुप को हटा के खुद सेट हो जाता है उस रिएक्शन सेंटर पे, तो उस टाइप को आपको हो गए सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे होता है समझते हैं। देखो, अपने पास है न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि एग्जैक्टली रिएक्शन कैसे मूव करेगी। तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, थोड़ा ध्यान से समझना न्यूक्लियस, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरी रिएक्शन चलेंगी। न्यूक्लियस का मतलब, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लवे। कोई भी स्पीसीज जो न्यूक्लियस को पसंद करती है उस स्पीसीज को आपने नाम दिया गया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस को पसंद कौन करेगा? देखो, आपको पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को लव करेगा या पसंद करेंगे क्या क्या? नेगेटिव, एक तो नेगेटिव चार्ज पसंद कर सकता है सर, और एक आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पसंद कर सकते हैं। तो सारी की सारी स्पीसीज विच कंटेन नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो नेगेटिव चार्ज, जैसे एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जैसे अपने पास है NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, O नेगेटिव, CH3, या फिर H नेगेटिव हम लोग हाइड्राइड कहते हैं। ऐसे जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिन स्पीसीज के पास आपके पास क्या मिलेगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल आप वाटर कंसीडर करते हो, कंटेन टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH3 कंसीडर करते हो, अमोनिया, कंटेन टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अमाइन कंसीडर करते हो, RnH2, कंटेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप कंसीडर करते हो अल्कोहल, कंटेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो सारी सारी स्पीसीज जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर नेगेटिव चार्ज है, वो सारी सारी स्पीसीज आपके एक्ट करेंगे किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब देखो, क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल किसी ग्रुप को हटाता है, न्यूक्लियोफाइल आया और किसी ग्रुप को हटा दिया, तो उसको आपने कहा सब्स्टिट्यूशन। और कंबाइन करके बोलता हूं तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कोई ग्रुप हटाया गया, तो दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ एग्जैक्टली कैसे मूव करती है। देखो, मैंने कहा कि अपने पास एक कंपाउंड है RX। अब किसी भी रिएक्शन को आप समझते हो तो उस रिएक्शन में सबसे पहले आपको रिएक्शन सेंटर का पता होना चाहिए कि रिएक्शन का सेंटर क्या है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। यदि आपको वो समझ आ गया तो आपकी मोस्ट ऑफ रिएक्शंस आसान होगी। जैसे इस सेंटर में मैं फाइंड आउट करता हूँ कि अपना इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो मैंने कहा कि एक्स माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और माइनस आई वो जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है सबके सब क्या करते हैं, माइनस आई। और माइनस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसके ऊपर क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो आर है आपका अल्काइल ग्रुप, तो ये आपका किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहां से आपको आपने पता किया कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। ऐसे ही मैंने कहा कि बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल आया। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। अब मैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फाइल मतलब लविंग, वो सारी की सारी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को पसंद कौन करेगा, या जिसके पास है तो पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी, या फिर मैं कह सकता हूँ वैकेंट ऑर्बिटल हो। वो सारी की सारी स्पीसीज जो विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, वो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, रिएक्शन कैसे मूव करती है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, किसी भी एटम के पास यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाना चाहेगा, और घटती है तो बढ़ाना चाहेगा। अब देखो, माई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इस आर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाना चाहता है। घटाने के लिए वो क्या करता है, अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, एक्स को। तो एक्जेक्टली क्या जाएगा, आर वाई, और क्या बनेगा, एक्स नेगेटिव। अब इस रिएक्शन में आप ध्यान से देखो कि न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल ने एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब हटा दिया, तो दैट्स व्हाई रिएक्शन नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो ये एक्स नेगेटिव निकलता है, इस एक्स नेगेटिव को हम लोग नाम देते हैं लीविंग ग्रुप। यदि आपको लीविंग ग्रुप की केमिस्ट्री समझ आ जाती है तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर होंगे। तो लीविंग ग्रुप क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको लीविंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ा देता हूँ। लीविंग ग्रुप क्या होते हैं, वो सारी की सारी स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो, स्टेबल। तो सबसे पहले आपको चेक करना है नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, स्टेबल। और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय
किस किसके द्वारा स्टेबलाइज हो सकता है सर, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल है और कैसे देखें। तो आपको दो चीजें चेक करनी है, एक तो उसमें चेक करना है रेजोनेंस तो नहीं है, सेकेंड आपको चेक करना है कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में डिलोकलाइज तो नहीं हो रहा है, या आप चेक करोगे कि उसके पास डी ऑर्बिटल है या नहीं है। तो दो चीजें आप लोगों को चेक करने की, किसी भी ग्रुप को लिविंग ग्रुप बनाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज आइदर बाय रेजोनेंस और बाय डी ऑर्बिटल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन से केसेस हैं जिनके ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है, दोनों केसेस हम लोग पढ़ेंगे कि रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन से हैं और आपके डी ऑर्बिटल लिखा है राइट। यदि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है पीछे से अटैक करेगा, जैसे ये आपका पार्शियल पॉजिटिव, आपका पार्शियल नेगेटिव, थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कौन है और एक्स नेगेटिव बार, तो यहाँ से एक्स नेगेटिव आपका बाहर निकलता है, जैसे लिविंग ग्रुप एक्स नेगेटिव बाहर निकलेगा। और एक्स नेगेटिव जैसे मैं कहता हूँ क्या क्या हो सकता है, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव। अब मैंने कहा था कि कोई भी ग्रुप लिविंग ग्रुप तब हो सकता है जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो बाय डी ऑर्बिटल और बाय रेजोनेंस। अब देखो इन सबके पास रेजोनेंस तो नहीं है, बट इन सबके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो दे कनेक्ट एज लिविंग ग्रुप। यदि मैं एक्स यहाँ पे एफ नेगेटिव लेता हूँ, देखो एफ नेगेटिव के पास ना तो डी ऑर्बिटल है और ना इसके पास क्या है रेजोनेंस, ना तो इसका नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल स्टेबलाइज हो रहा है ना इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब एफ नेगेटिव कैन नॉट एक्ट एज लिविंग ग्रुप। तो कभी भी आपके पास लाइक ऐसी रिएक्शन आ जाए आर एफ और वाई माइनस का अटैक कराओ तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि एफ नेगेटिव बाहर ही निकलेगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है, एफ नेगेटिव कैन नॉट एक्ट एज लिविंग ग्रुप। ऐसे में आपके एग्जाम्पल लेते हैं अल्कोहल, यदि मैं वाई माइनस अटैक कराता हूँ वाई माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो लिविंग ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप जो आप कंसिडर कर रहे हो क्या निकलेगा, ओ एच नेगेटिव। अब चेक करते हैं कि जो बाहर निकल रहा है लिविंग ग्रुप है भी या नहीं है, तो लिविंग ग्रुप होने के लिए या तो डी ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए रेजोनेंस होना चाहिए। इसके पास ना तो डी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है और ना इसके पास क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ना तो डी ऑर्बिटल है ना ही रेजोनेंस है, तो इसका मतलब ये भी आपका एक्ट नहीं कर सकता है इसी तरह लिविंग ग्रुप। उसके बाद आप एग्जांपल लो अमाइंस RnH2 वाई माइनस अटैक करता है NH2 बाहर निकलेगा और NH2 के पास से ना तो डी ऑर्बिटल है ना ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए ये भी आपका लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट नहीं करता। ऐसे में एग्जाम्पल ले रहा हूँ OR इथर और इधर पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता हूँ, तो यहाँ से आपके पास जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा ओ आर नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज ना तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना इसके पास क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब ये भी आपका लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट नहीं कर सकता। ऐसे आप एस्टर का एग्जाम्पल लो और इन केस ऑफ एस्टर वाई माइनस अटैक करता है ये बाहर निकलेगा तो ओ नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ आर आपके पास ऐसा केस आता है, तो यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करो कि ये जो ग्रुप आपका बाहर निकल रहा है देखो आप ये क्या है नेगेटिवली चार्ज स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और मैंने कहा था कि नेगेटिव चार्ज या तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो या फिर डी ऑर्बिटल हो तो किसकी तरह एक्ट कर सकता है लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है। बाकी केसेस हम लोग चेक कर रहे हैं अभी, जैसे मैं और एग्जांपल देता हूँ कि कौन कौन से और ग्रुप हैं जो लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं चेक करते हैं। देखो जैसे बाकी केसेस जैसे अपने पास है आर ओ बेंजीन रिंग के साथ अटैच करता हूँ, न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ अटैक करता है इसको बाहर निकालता हूँ तो ओ नेगेटिव, ऐसी कंडीशन अपने पास बन रही। देखो ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो नहीं है सर, बट नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो इसका मतलब वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एक्ट एज लिविंग ग्रुप। न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कई सारे चैप्टर में इन्वॉल्व होता है, जैसे आप अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अमाइन, इथर, इन सारे चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चेक कर मतलब देखने को मिलता है, बट मैंने कहा कि अल्कोहल आपने लिया, अमाइन आपने लिया और आप इथर आप ले रहे हो और इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग स्टडी भी करते हैं, बट इनके पास लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो आप लोग कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो।
विदाउट लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन नहीं हो सकती. बट देखो OH नेगेटिव OH NH2 OR कैन नॉट एक्ट एज लिविंग ग्रुप. बट मैं इनको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ. बट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लिविंग ग्रुप बाय एक्टिवेशन. यदि मैं इन ग्रुप का एक्टिवेशन करा दूं, अब देखो एक्टिवेशन कैसे कराया जाता है. एक्टिवेशन डन बाय या तो आप कोई भी मिनरल एसिड ऐड कर दो. मिनरल एसिड लाइक आप लोग पढ़ते हो कि कभी भी आप न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन कराते हो अल्कोहल का अमाइन का या फिर इथर का, तो आप एसिड की प्रेजेंस में कराते हो. लाइक HCl डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, जिसको आप मिनरल एसिड कहते हो. या फिर कोई भी लेविस एसिड डालते हो, लेविस एसिड लाइक AlCl3 डाल दिया, ZnCl2 डाल दिया, FeBr3 डाल दिया, FeCl3 डाल दिया, ये सब आपके क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं. तो कभी भी आप अल्कोहल अमाइंस और इथर की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड कराते हो. उसका रीजन है क्योंकि हम लोग इस ग्रुप को एक्टिवेट करा के किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टू लिविंग ग्रुप. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं चेक करते हैं. तो सबसे पहले मैं अल्कोहल को एक्टिवेट करा के लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता हूँ. तो मैंने कहा कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अब एसिड लाइक मैंने HCl लिया है, HCl की प्रेजेंस में मैं इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊंगा. अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. और एच पॉजिटिव आपका एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. मैंने पहले भी कहा था कि कभी भी आप रिएक्शन सीक्वेंस को पढ़ते हो तो रिएक्शन सीक्वेंस में आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल देखना आना चाहिए. और न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल. देखो एरो का मतलब क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे पॉजिटिव और जिस पे आएंगे वहां पे नेगेटिव. तो चेक करते हैं कि क्या होगा. आर ओ एच, एक एच था, एक एच बाहर से आ गया तो एच टू पॉजिटिव और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ओ पॉजिटिव. अब देखो बाहर से कोई भी ओ माइनस आएगा जो कि एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और आर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल होती है बाहर, तो आपका प्रोडक्ट बनता आर वाई और बाहर का निकलेगा H2O, जो कि आपका कैसा ग्रुप है, न्यूट्रल ग्रुप है. और न्यूट्रल है, कोई चार्ज है ही नहीं, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेबल है. क्योंकि आपको पता है कि आउट ऑफ न्यूट्रल एंड चार्ज मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल. तो इसका मतलब स्टेबल फॉर्म में बाहर निकल रहा है. ऐसे में क्या करता हूँ, आपके पास है अमाइन NH2, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ. और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो इसके पास है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और ये आपका एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. तो क्या होना, RnH3 पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल आएगा वाई माइनस, तो क्या बाहर निकाल देगा, RY+NH3 इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल. ऐसे अपने पास इथर रिएक्शन है एसिड की प्रेजेंस में, लाइक एच पॉजिटिव, इसके पास क्या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल. न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल तो ओ आर और यहाँ क्या देगा, एच पॉजिटिव. अब देखो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करो या इधर अटैक करो, सिमेट्रिक केस उठा रहा हूँ, तो वाई माइनस यहाँ अटैक करता है तो क्या होना है, आर वाई और आर ओ एच न्यूट्रल फॉर्म में आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया. तो इसका मतलब ओ एच ग्रुप, एन एच टू ग्रुप और ओ आर ग्रुप को हम लोग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एक्टिवेशन. और एक्टिवेशन आप लोग कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड और लेविस एसिड. मिनरल एसिड